अभी मैं क्या बोल सकता हूँ कौन मुख्यमंत्री बनेगा? मुख्यमंत्री तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी तय करेंगे, चाहे इतना शिंदे की पार्टी हो या चाहे अजीत पवार की। ये दोनों अपने पार्टी के बारे में निर्णय नहीं ले सकते क्या करना है। और नैतिकता के आधार पर अगर हम देखें तो देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसा मुझे लगता है। अभी मैं क्या बोल सकता हूँ कौन मुख्यमंत्री बनेगा? मुख्यमंत्री तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी तय करेंगे। ये दोनों सर्वे सर्वा है, चाहे इतना शिंदे की पार्टी हो या चाहे अजीत पवार की। ये दोनों अपने पार्टी के बारे में निर्णय नहीं ले सकते क्या करना है। उनके दोनों पार्टी के निर्णय दिल्ली में हो, अमित शाह तय करेंगे एक नाथ शिंदे ने क्या करना है, अजीत पवार ने क्या करना है। ये अमित शाह और मोदी जी तय करेंगे। ये दोनों पार्टी उनके गुलाम है, बीजेपी की सब कंपनी है ये। हाँ, तो जो मोदी और शाह जी कहेंगे, जो मोदी जी कहेंगे, जो शाह जी कहेंगे, वही उनको मानना पड़ेगा। बीजेपी के पास बहुमत है, कुछ सीटें कम होगी लेकिन मैं मानता हूँ उनके पास बहुमत है। अगर बहुमत नहीं है तो उनको बहुमत कैसा प्राप्त करना है, किसी को तोड़ना है, किसी को खरीदना है, उस बारे में लोग माहिर हैं। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में, तो बहुमत के लिए शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं और अजीत पवार की पार्टी भी तोड़ सकते हैं। तो मुख्यमंत्री मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का ही बनना चाहिए। सर, आरएसएस की भी एक लोग आरएसएस बोल रहे हैं, आरएसएस का मुख्यमंत्री बनेगा बीजेपी का, गुजरात का भी मुख्यमंत्री बनेगा, किसकी लड़ाई आपको लगती जा रहा है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो चेहरा? मुझे लगता है कि जो आंकड़ा बीजेपी के पास है और नैतिकता के आधार पर अगर हम देखें तो देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसा मुझे लगता है। अभी मैं क्या बोल सकता हूँ कौन मुख्यमंत्री बनेगा? मुख्यमंत्री तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी तय करेंगे, चाहे इतना शिंदे की पार्टी हो या चाहे अजीत पवार की। ये दोनों अपने पार्टी के बारे में निर्णय नहीं ले सकते क्या करना है। और नैतिकता के आधार पर अगर हम देखें तो देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसा मुझे लगता है। अभी मैं क्या बोल सकता हूँ कौन मुख्यमंत्री बनेगा? मुख्यमंत्री तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी तय करेंगे। ये दोनों सर्वे सर्वा है, चाहे इतना शिंदे की पार्टी हो या चाहे अजीत पवार की। ये दोनों अपने पार्टी के बारे में निर्णय नहीं ले सकते क्या करना है। उनके दोनों पार्टी के निर्णय दिल्ली में हो, अमित शाह तय करेंगे एक नाथ शिंदे ने क्या करना है, अजीत पवार ने क्या करना है। ये अमित शाह और मोदी जी तय करेंगे। ये दोनों पार्टी उनके गुलाम है, बीजेपी की सब कंपनी है ये। हाँ, तो जो मोदी और शाह जी कहेंगे, जो मोदी जी कहेंगे, जो शाह जी कहेंगे, वही उनको मानना पड़ेगा। बीजेपी के पास बहुमत है, कुछ सीटें कम होगी लेकिन मैं मानता हूँ उनके पास बहुमत है। अगर बहुमत नहीं है तो उनको बहुमत कैसा प्राप्त करना है, किसी को तोड़ना है, किसी को खरीदना है, उस बारे में लोग माहिर हैं। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में, तो बहुमत के लिए शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं और अजीत पवार की पार्टी भी तोड़ सकते हैं। तो मुख्यमंत्री मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का ही बनना चाहिए। सर, आरएसएस की भी एक लोग आरएसएस बोल रहे हैं, आरएसएस का मुख्यमंत्री बनेगा बीजेपी का, गुजरात का भी मुख्यमंत्री बनेगा, किसकी लड़ाई आपको लगती जा रहा है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो चेहरा? मुझे लगता है कि जो आंकड़ा बीजेपी के पास है और नैतिकता के आधार पर अगर हम देखें तो देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसा मुझे लगता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।